नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों फाइनली हम लोग थर्डल पे उतर चुके थे इस गेम प्ले के अंदर, और मजा आने वाला था इस गेम प्ले के अंदर क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला है। तो दोस्तों उतरते ही भैया मैं एक घर पे गया और वहां पे भैया मुझे मिनी मिल गई, एक मेडिकेट मिल गई। मैंने कहा इतना तो अपने लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दो मतलब बोट वोट को तो मार ही सकते हैं। लेकिन यार क्या ही सीन था कि मतलब यहाँ बोट नहीं पूरी टीम आ चुकी थी, तो मैंने सोचा मिनी से इसको पहले निपटाते हैं एक बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पे भैया एक बंदा था जिसको मैंने मिनी से ही खत्म कर दिया कहानी। ये भी बेचारा लूट रही रहा था अभी कि मैंने इसको फटाफट से दे डाला। मैंने कहा इसका चलो टाइम पास कर देते हैं फटाक से, क्योंकि इसके फ्रेंड लॉबी में इसका वेट कर रहे थे। तो फटाक से भैया इतना सीन हो ही रहा था कि भैया यहाँ पे देखो मेरे टीम मेट एक और बंदे को ले लपेटे बैठे थे तगड़े से, ठीक है। और शायद ये बंदा बॉट था मेरे हिसाब से, ठीक है। मगर दोनों भाई ऐसे चिपके हुए थे बॉट के पीछे कि पूछो ना। और यहाँ पे भैया एक बंदा जंपक कर रहा था जिसको मैंने खूब तगड़ा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन यार दे नहीं पाया। ओ भाई यहाँ पे देखो क्या गलत सीन हो गया मेरे साथ। मतलब मिनी तो थी मेरे पास, लेकिन यार उसकी एमओ खत्म हो गई। अब एमओ खत्म हो गई तो भाई क्या करूँ, उसका कुछ नहीं है। तो मगर उसी टाइम मेरे पार्टनर आ गए और उन लोगों ने भैया पीछे से उसकी कुंडली बजा दी फटाफट से। अब देखो इस बंदे को देखो, अरे भाई ऐसे गांठ बांध के कौन मारता है यार गोली। मतलब एक जगह बैठ के कायदे से गोली चला रहा था पटापट पटापट पटापट। मुझे लग रहा है ये इन्हीं टीममेट का बंदा था भाई। गन पा गया ना भाई तो इसने धुआं बिगाड़ दिया, सबकी भाई हेल्थ की लंका लगा दी थी। आराम से बैठ के और कायदे से मार रहा था ये बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हमने हेल्थ रिकवर की और अब हमारे पास थी मिनी। अब क्या ही बोलना था भाई, मिनी भी मिल गई थी, एकेएम भी मिल गई थी, तो समझ सकते हो आगे कितना मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते फटाफट से हम लोग पट्टी लगा के उसके बाद जा रहे थे सामने वाली टीम पे तोड़फोड़ मचाने, क्योंकि भाई सामने इधर से एक मेरा पार्टनर बोल रहा था कि भैया इधर से भी गोली की आवाज़ आ रही है। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं इधर भी तोड़फोड़ मचाने। तो भाई तोड़फोड़ मचाने हम लोग इधर जा ही रहे थे कि भैया किसी ने मार कर दिया कि कुछ है यहाँ पे। तो चलो हमने कहा चलो देखते हैं कुछ शायद अपने काम की चीज़ हो। तो भाई कार 98 मिल गई। मैंने कहा आप तो कतई तहलका हो गया, 6x अपने पास था ही, हमने चेंज कर लिया फटाक से। और तुम्हें पता है भाई कार 98 तुम्हारा भाई ज़्यादा नहीं चला पाता है, मतलब चला लेता है काम चल जाता है, लेकिन गॉड लेवल का नहीं है, ठीक है, इतना बता सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे चलो भाई फटाफट से हम लोग एकेएम उठाए, कार 90 उठाए। अब भाई ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं भाई वो बंदे जिनको हमें करना है ढेर, ठीक है। अब यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई बंदे हैं कहाँ, मतलब इतना बड़ा थर्डिल है, एक भी बंदा साला नहीं दिख रहा था। पूरे थर्डिल में हम लोग बिल्कुल इधर उधर घूम रहे थे लेकिन बंदे कहीं नहीं दिख रहे थे यार, बहुत बोरियस फील हो रही थी यहाँ पे। तभी भैया किसी ने मार किया एनिमी द हेड, तो हमने ढूंढने लगे भैया एनिमी द हेड में कहाँ पे है एनिमी। तो यार यहाँ पे मुझे एनिमी तो कोई नहीं दिखा, तो मैंने सोचा स्कोप खोल के अपनी तीसरी आंख से देखते हैं। तो भाई तीसरी आंख से देखने की कोशिश की लेकिन यार फिर भी कोई बंदा नहीं दिखा, इस तरफ भी नहीं दिखा उस तरफ भी नहीं दिखा। लेकिन इस तरफ से मुझे फायर की आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन बंदा नहीं दिख रहा था। ओ भाई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे दो बंदे लड़ रहे हैं। मैंने क्या किया, ओ भाई मैंने कहा ऐसे में तो भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ किल चोरी करने में। मैंने पट से हेडशॉट मारा और खट से किल ले लिया उस बंदे का, दूसरे बंदे को भी हेडशॉट मारा, लेकिन साला इतनी जल्दी जल्दी गोली उठा रहा था कि उसके ऊपर हेड नहीं बॉडी शॉट पड़ गया, ठीक है। वो मतलब मैंने जब गोली चलाई तो नीचे को झुक गया, ऐसे में उसने अपना काम निकाल लिया फटाक से, ठीक है। तो अब मैंने सोचा वहाँ पे एक बंदा तो है, मैंने देख लिया था, लेकिन हो सकता है वहाँ पे एक से ज़्यादा भी बंदे हो। तो मैंने कहा अपने टीममेट से चलो भाई रस करते हैं, ठोंक ठाक के बराबर करते हैं बंदों को। तो यहाँ से हम लोग पानी में डुब्बी लगा के जा रहे थे और भाई एक तरफ से बिल्कुल आत्मा फड़फड़ा रही थी हम लोग की कि भैया ऊपर रेड जोन है, कहीं एक गोला ना गिर जाए, क्योंकि तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड जोन गिरता है। लेकिन क्या ही किस्मत थी यार आज, मतलब किस्मत भी अपनी साथ दे ही रही थी, मैं लेट गया। मैंने कहा अब गिरना होगा तो गिर जाएगा और नहीं गिरना होगा तो नहीं गिरेगा। लेकिन भाई जब देखा कि अगल बगल कुछ ज़्यादा ही तहलका वाला विनाशक विस्फोट हो ही रहा है ना, तो भाई फिर रूह कांप गई। हमने कहा इससे अच्छा है कि सीधा बंदे को ऊपर रस कर दें, अगर एक होगा तो हम उसको मार देंगे, अगर चार होंगे तो वो हमें मार देंगे, बात बराबर। तो भाई किनारे से तो एक ही बंदा दिखा, तो मैंने गया उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, और थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद हमने सोचा इसको थोड़ा सा डैमेज देके अपनी गन बाहर रिलोड करेंगे, जिससे होगा क्या कि जब तक मेरी गन रिलोड होगी तब तक वो मुझे ढूंढेगा, जब तक ढूंढेगा तब तक हम उसको दोबारा रिलोड करके लॉबी में पहुंचा देंगे। तो भाई वही हमने सीन इसके साथ किया, बंदे के साथ, बंदे को थोड़ा मारा और मार के मैं बाहर आ गया क्योंकि मेरी गन रिलोड हो गई थी। अगर वहीं पर खड़े होकर मैं रिलोड करता गन को तो वो भाई मुझको फिर सीधा गाड़ी में लोड करके मेरी मुझे लॉबी भेज देता, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो भाई ऐसे में सीन कुछ गलत ही हो गया कि मेरे AKM का एमओ खत्म हो गया, मैंने M4 उठा ली और भाई ये बॉट महाराज मिल गए। वो भाई बॉट महाराज की क्या किस्मत थी, मैंने जैसी गोली चलाई उन्होंने अपनी मुंडी घुमा ली। मैंने कहा क्या ही गलत सीन है। ओ भाई देख सकते हो साइड में भाई रेड जोन गिरा था, ऐसा लग रहा था जैसे रूह फड़फड़ा गई, मतलब आत्माएं बिल्कुल निकलने के लिए तरस गई थी ये समझ लो। मतलब ऐसा फील हो रहा था अंदर से कि जैसे यमराज हाथ मिला के गए हों, गले मिलने आए थे लेकिन हाथ मिला के चले गए, ये समझ लो ऐसा गलत वाला सीन हो गया था हम लोगों के साथ। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम लोग वहाँ से आए और अपार्टमेंट के ऊपर आए। यहाँ पे भैया काफ़ी सारी भैया हमको ऐसा लगा जैसे फाइट वाइट होने का फुल सीन है, तो हम लोग कायदे से गए। हमने सोचा यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे एक बंदा था जिसकी आत्मा खूब फड़फड़ा रही थी, कह रही थी मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। हमने कहा ठीक है बच्चा, तथास्तु तुमको अभी मुक्त करते हैं। तो हमने उसको फटाक से भाई मुक्त कर दिया, मजा आ गया भाई। कुछ भी कहो बंदे के पास लूट एक नंबर थी, तबाही थी भाई। दो तीन बंदे थे यहाँ पे, जिसको एक बंदे को तो मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया और बाकी के एक दो बंदों को मेरे टीममेट ने खा पी लिया। तो भाई यहाँ पे जितने भी बंदे थे सब भाई किल के भूखे थे, जैसे ही बंदे दिख जाते थे ना भाई टूट पड़ते थे बिल्कुल, ये समझ लो बहुत बुरी तरीके से। मतलब एक से तुम्हें दूसरा किल मिलना मुश्किल था क्योंकि सब के सब किल के पीछे भूखे थे। ओ भाई इतने में बॉट महाराज आ गए, अब इनको लेटने की क्या ज़रूरत थी भाई, हम तो तुम्हें वैसे भी लिटा रहे थे। तो चलो भाई इनको भी मुक्त कर दिया, लॉबी में भेज दिया। लेकिन तुम्हारा भाई क्या ही बोले, मतलब यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके आ गया और हम लोग जाने वाले थे पहाड़ के ऊपर वहाँ पर रश करने, क्योंकि वहाँ से यार गोलियों की आवाज़ आ रही थी, गेम प्ले यार ख़त्म होने वाला था, कुछ मज़ेदार किल नहीं मिले थे। तो हमने सोचा यार कुछ मज़ेदार किल लेते हैं। यार क्या ही गेम था, मतलब मेरे समझ ही नहीं आया यार, पूरे गेम में हम लोग घूमते रहे मगर यार कुछ ढंग की टीम नहीं मिली जो मतलब बराबर का टक्कर दे सके। जो भी मिल रही थी सब साले ऊट पटांगी मिल रहे थे, छोटे छोटे बंदे मिल रहे थे, मतलब कोई ऐसी टीम नहीं मिल रही थी जो गदर मार के रस करे, जहाँ पर बिल्कुल किल ही किल बिल्कुल बेजोड़ टाइप में मिल जाए। लेकिन यार ऐसा कुछ सीन हो नहीं पा रहा था यहाँ पे, मतलब जितने मिल रहे थे दो बंदे तीन बंदों चार बंदों एक स्क्वाड ऐसे मिल रहे थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था कुछ ढंग का। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने गाड़ी चढ़ा के यहाँ से हम लोग उतर गए, और क्योंकि भाई ड्रॉप था यहाँ पे, मुझे उम्मीद थी कि बंदे होंगे, तो भाई हमने स्कोप लगा के अपनी तीसरी आँख से देखा। लेकिन मुझे भाई यहाँ पे केवल एक गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखा, बाकी कोई नहीं दिखा, मतलब बाकी समझ में नहीं आया। तो मुझे इतना आइडिया हो गया कि भाई गाड़ी से अगर धुआं निकल रहा है तो यार बंदे तो होने चाहिए, मान लो एक टीम खत्म हुई होगी दूसरी टीम तो स्वाभाविक सी बात है होगी ही ना। तो यार वो टीम को मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे वो टीम मिल नहीं रही थी, अब मैं ऐसे में काफ़ी परेशान था। लेकिन यार नीचे से एक बॉट महाराज ने मेरे ऊपर तगड़ा वाला डैमेज दिया यार, पट्ट से बैठा, तो मैं उसको ढूंढ मारने नीचे गया, उससे पहले मेरे टीम मेट ने उसकी कुंडली बना दी। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा है, उसकी तो कुंडली बन गई है। तो मैं गया सीधा पहाड़ के ऊपर, मैंने कहा देखा जाएगा, या तो मारो या तो मरो। कुल मिला के ये समझ लो सीन पूरा गलत वाला मैंने क्रिएट कर दिया, मगर मैंने सोचा चलो देखा जाएगा जो होगा। तो हम लोग सीधा पहाड़ के ऊपर रस कर दिए, लेकिन यार सबसे गंदी चीज़ ये थी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ें तो चढ़ें कैसे, क्योंकि गाड़ी तो हम लोग पीछे छोड़ आए थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग चढ़ गए, कैसे भी कर करा के चढ़ गए ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या ही गलत सीन होने वाला है, यहाँ पे मजा आने वाला है। ठीक है, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने यार इंस्टा ट्विटर में मुझे फॉलो ना किया वो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से फॉलो कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। ओ भाई ये देखो, ये भाई पता नहीं कौन सा बंदा था, जिगल का मामा था शायद, या फूफा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई बंदे ने तगड़ा वाला जिगल किया, मगर क्या ही बोलूँ मेरी गन की स्प्रे में आ गया, तो भाई मरना तो पड़ेगा यार, कुछ भी करो यार। अब मान लो आ गए वो चपेटे में तो जाना तो तुम्हारा स्वाभाविक है, लेकिन यार तुम्हारे भाई को किल नहीं मिला था जिससे गेम प्ले यार कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार किल तो होना चाहिए यार, नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा, सीन ही गलत हो जाएगा फिर अपने पास। तो मैं यार किल के चक्कर में यहाँ ढूंढ रहा था बंदे, कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए, लेकिन साला क्या ही सीन था कि यार बंदे मिल ही नहीं रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो दो बंदे लड़ रहे हैं, मैंने कहा ओ भाई ओपी। मैंने यहाँ पे एक स्प्रे दिया तगड़ा वाला, बंदे कंफ्यूज और दो चार गोलियाँ उनके ऊपर पड़ गई, एक बंदा नॉक, मैंने किल चोरी कर लिया पट्ट से। मैंने कहा वाओ गुड शॉट, और बंदे का किल चोरी करते ही बंदा वहाँ से भागा, मैंने इसको भी हेडशॉट दिया। लेकिन यार क्या ही गंदी किस्मत थी, हमारे भाई की स्नाइपिंग सही से काम नहीं करी और परफेक्ट वाला शॉट नहीं पड़ पाया, और मेरे टीममेट ने जाके उसको पेल पाल के रामपाल बना दिया, और फाइनली तुम्हारे भाई ने 8 किल करके चिकन डिनर निकाल लिया। ठीक है, तो यार गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके बताना, उम्मीद करूंगा गेम प्ले तो बिल्कुल एक नंबर तबाही लगा होगा, अगर नहीं लगा है तो भी बता देना, और कौन सी मिस्टेक रह गई थी वो भी बता देना मेरे भाई। ठीक है,
हाँ ये है कि काफ़ी सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था मेरे पास कि भाई आप लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई मेरे अभी इस समय बहुत ज़्यादा नेट का इशू है यार, लाइव स्ट्रीम अभी नहीं हो पाएगी और ना ही रूम क्रिएट हो पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आगे आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे भाई।